हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। और आज के वीडियो में बहुत सिंपल सा मॉडिफिकेशन है और बहुत अच्छा भी है, और ये आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। बहुत इजीली ये घर पे भी बन जाएगा और एकदम अच्छे से हो जाएगा ये काम। तो आज के मॉडिफिकेशन में आपको बताऊँगा कि भाई अपना सिंपल सा हॉर्न को म्यूज़िकल कैसे बना सकते हैं बिना म्यूज़िकल जो ये आते हैं हॉर्न ट्यूनर आते हैं उसके अलावा कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूँ, ये मेरे पास एक हॉर्न है ये, और इसको जब हम लोग थोड़े म्यूज़िकल में करेंगे, आप सबको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कुछ अलग है, लेकिन इसके अंदर कुछ कैपेसिटर और डायोड रहता है। ये एक्चुअली पुराने जो अपने बजाज चेतक वगैरह होती थी ना, उसमें ये ऐसा ये आता था, तो ये वो है। ठीक है, तो ये भी ऐसा सिंपल सा है, ये खाली ऐसे चल जाएगा। तो इसको हम लोग जो है म्यूज़िकल बनाएंगे, तो ये इसका जो बनाने का कॉस्टिंग है इसी आपको आएगा 100 रुपीज़, और हो भी सकता है कि आपका फ्री में भी बन जाएगा अगर मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। तो इसको बनाने के लिए अपने को क्या मटेरियल चाहिए, तो एक तो आपके पास हॉर्न होना चाहिए जो आपके बाइक में तो लगा रहेगा, और एक अपने को चाहिए ये वाला फ्लैशर, ये मिंडा का इंडिकेटर फ्लैशर बोलते हैं। तो ये इसका मॉडल नंबर है, ये आप देख लीजिए, तो ये इसका मॉडल नंबर है, आपको लगेगा ये मिंडा का इंडिकेटर फ्लैशर है। कि कभी भी आप बाइक में जब भी आप LED इंडिकेटर लगा देना तो अपने को फ्लैशर चेंज करना पड़ता है, तो ये वाला हम लगाते हैं। तो आपको एक ऐसा ही आपको फ्लैशर लगेगा, कोई भी ले सकते हैं आप, आपके बाइक में जो स्टॉक फ्लैशर होता है आप उससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभार स्पीड कम ज़्यादा हो जाता है। अभी जैसे ये वाला लगाएंगे तो इसका स्पीड अलग होगा, और आप अगर स्टॉक वाला जो लेंगे ना, जो अपने बाइक और स्कूटर में लगा रहेगा वो वाला लगाएंगे, तो उसमें आपका स्पीड कम अलग हो जाएगा, क्योंकि जो LED वाले जाते हैं ना उसका स्पीड अलग होगा, और जब बल्ब वाले अगर लगाएंगे ना उसका स्पीड आपका चेंज हो जाएगा। वायरिंग डायग्राम में आपको एक ना वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, सिंपल सा है ये। अगर आपको रिले के साथ भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया है, मिंडा का ये लिया है, मैक्सिमम लोड है ये 85 वाट का लोड ले सकता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें ना ये दो पॉइंट होते हैं, इसमें होता है एक L पॉइंट और एक होता है B पॉइंट। L मतलब लोड की तरफ, मतलब जो हॉर्न की तरफ जाएगा यूजुअली, कैसे कि अपना इंडिकेटर की तरफ जाता है ये लोड, और B मतलब बैटरी वाला पॉइंट इसको देना है। तो ये सिंपल सा है, अपन फटाफट आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लिया है, और ये फ्लैशर लेते हैं, इसका कनेक्टर है, कनेक्टर यहाँ पे डाल देता हूँ, और जो बैटरी वाला पॉइंट है इधर बी लिखा है बैटरी वाला पॉइंट, उसको मैं जो है यहाँ पे पॉजिटिव पे डाल देता हूँ। ये पॉजिटिव पे गया, हॉर्न का एक पॉइंट है नेगेटिव पे, और ये जो फ्लैशर का जो दूसरा पॉइंट था L वाला पॉइंट, वो यहाँ पे ले लेता हूँ। देखा, मतलब ऐसा टी 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 करके बजेगा, जैसा अपना इंडिकेटर बजता है ना, जैसा वैसा बजेगा, जैसे इंडिकेटर का जो बजर बजता है ना वो टाइप का बजेगा। और ये सपोज़ अगर मैं इसको भी उल्टा कर लेता हूँ ये पॉइंट को, तो क्या होगा, ये पॉइंट को मैंने उल्टा कर दिया, ऑफिस इसको ऐसे लगा दिया और इसको यहाँ पर लगा देते, तो वो टी 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 नहीं बजेगा। वापिस इसको ऐसा कर लेते, जो बैटरी वाला पॉइंट है उसको मैं पॉजिटिव पे डाल देता हूँ, बैटरी वाला पॉइंट को पॉजिटिव पे डाल दिया, और नेगेटिव वाला जो है हॉर्न के एक टर्मिनल पे, और ये वाला जो L वाला जो पॉइंट होता है इसका, इसको यहाँ पे डाल देते। जब भी आप एक ही बार जब प्रेस करेंगे तो टी 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 करके बजेगा। तो ये फ्लैशर के स्पीड पे डिपेंड करता है, आप इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जो पहले ऑनलाइन पे मिलते थे स्पीड कंट्रोल वाले भी मिलते थे, उसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये स्लो फास्ट भी वैसा करेगा। आप इसके अंदर अगर स्टॉक बल्ब वाला अगर फ्लैशर अगर आप लगाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। मेरे पास एक्चुअली है नहीं वो, तो वो भी अगर आपको लगा के बता दे तो वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है उसमें। तो ये वाला आप कोई भी आप ले सकते हैं फ्लैशर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, अगर आपके पास घर पे अवेलेबल है तो आप उससे भी काम कर सकते हैं, और अगर आपको मार्केट से लेना है तो आप ऐसा ये यूनो मिंडा वाला आप ले सकते हैं। मैं इसका डायग्राम भी मैं आपको वीडियो के एंड में एक बता दूंगा कि बिना रिले का भी कैसे कर सकते हैं और रिले के साथ कैसे कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है ना विदाउट रिले ऐसे ही लगा दूंगा, क्योंकि ऐसे ही मैं अपनी RX135 में फ्यूज़ सिस्टम तो कुछ होता नहीं है, तो मैं ऐसे ही उसको जो है डायरेक्टली मैं उसको लगाने वाला हूँ। और ये छोटा हॉर्न है, अगर आप बड़ा वाला भोपू वाला हॉर्न अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपको जो है एक रिले आपको लगाना पड़ेगा, तो रिले के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो मैं आपको डायग्राम में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, और इसको जो है मैं अपनी RX135 में भी इसको जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ, और कैसे बजेगा वो भी आपको फिर बताता हूँ।
तो ये अभी फाइनल फिटिंग हो गया है और ये फ्लेशर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसके अंदर पट्टी के अंदर लगा दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हॉर्न के जो दो वायर होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो जो पॉजिटिव वाला रहता है वो जो है आपको फ्लैशर के बैटरी वाले पॉइंट पर डालने का, यानी बी लिखा होगा वहाँ पे, और जो एल वाला होगा लोड पॉइंट बोलते हैं उसको, वो जाएगा हॉर्न पे जाएगा। तो ये हॉर्न वाले जो वायर आते हैं ना, जो डबल वायर आपको साथ में मिलते हैं, आप हॉर्न में रहते, तो वही मैंने वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है। और ये ऐसे ही सिंपल मैंने वायरिंग मैंने इसको मैंने कर दिया है मैंने। और एक हॉर्न मैंने एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि ये वाला जो हॉर्न है ये पहले यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे था, यही तो पट्टी लगी रहती है ना एक्चुअली, यही RX100 135 में यहाँ पे पट्टी होती है, यहाँ पे सेंटर में हॉर्न लगती है। और जो कैपेसिटर वाला जो हॉर्न था वो यहाँ पे लगाया हुआ है, वो इधर है, किधर गया, हाँ ये रहा, ये कैपेसिटर वाला हॉर्न जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है और ये इधर लगा दिया। मैंने इस पर रिले नहीं लगाया हुआ है, एक्चुअली लगाना चाहिए लेकिन मैंने रिले नहीं लगाया क्योंकि ये RX100 और 135 में फ्यूज सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट मैंने इसको जो ओरिजिनल जो हॉर्न वायर होता है ना वहीं से मैंने ले लिया। तो ये देखिए ये दो हॉर्न के वायर होते हैं ये, और ये यहीं से मैंने डायरेक्ट इसके अंदर से लेके कर दिया। अभी मैं आपको ऑन करके आपको बताता हूँ। तो आपको जो है ना प्रेस करके रखना है, आप प्रेस करके रखेंगे तो वैसे डबल डबल साउंड करेगा। और इसमें अगर आप दूसरा वाला कोई अगर लगा देंगे ना स्टॉक वाला, जैसे कि एक्टिवा में जो होता है यूनिकॉर्न का शाइन वाला, अगर वो वाला अगर लगाएंगे ना तो वो फास्ट बजेगा उसमें। तो और स्पीड कंट्रोल वाले भी आते हैं जैसे मैंने बताया, तो वो स्पीड कंट्रोल वाला अगर आप लेंगे ना तो उसमें आप स्पीड कम ज़्यादा आप उसमें कर सकते हैं, वो आपको अमेज़ॉन पे या तो AliExpress पे आपको मिल जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये हॉर्न का बटन है, इसको मैं ऐसा दबा के रखना है तो वैसा बजेगा। आपको अगर ऐसा बार बार प्रेस करके करना है तो भी आप कर सकते हैं, तुरंत नहीं हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा उसको ये करना पड़ता है। जो पहले कैसा हो रहा था तुरंत हो रहा था, मतलब जैसा हॉर्न का बटन दबाता था वैसे तुरंत हो जाता था, लेकिन अभी ये वैसा नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर शायद आपके बाइक में अगर ऐसा कुछ हो सकता हो तो, क्यों हो सकता है कि एक्चुअली ये फ्लैशर की वजह से हो रहा है, या तो फिर मेरे बाइक में वैसा कुछ सिस्टम होगा, मतलब थोड़ा स्लो जा रहा होगा, हो सकता है बाइक टू बाइक में कुछ चेंज हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने ऐसा मॉडिफिकेशन अगर आपके बाइक में या स्कूटर में किया है तो उसमें आपको कैसा हो रहा है। वापस एक बार बता देता हूँ, ये देखिए प्रेस करके रखना है तो ये ऐसा चेंज करते रहेगा। तो हो सकता है कि एक्चुअली ये फ्लैशर के वजह से शायद वो स्लो फास्ट होगा, मतलब हो सकता है उसकी वजह से। बाकी ये मॉडिफिकेशन सिंपल है, ये आपको घर पे आप कर सकते हैं, इसमें करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, खाली फ्लैशर लगेगा और कुछ वायर्स आपको लगेंगे शायद एक्सटेंड करने के लिए। और अगर आप रिले अगर लगाएंगे तो एक रिले का एक एक्स्ट्रा एक खर्चा हो जाएगा, तो वो 100 रुपीज़ का रिले आता है विंडा का, और ये फ्लैशर भी आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा, तो 200 रुपीज़ का काम हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको भी और भी कुछ अगर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन में कुछ अगर दूसरा कुछ अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट कर देना, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर कुछ एक वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। तो ये वाला दो वायरिंग डायग्राम है, तो ये वाला पहला वाला वायरिंग डायग्राम है, अगर आपको डायरेक्टली हॉर्न लगाना है विदाउट बिना किसी रिले से तो ये वाला कर सकते हैं, जो मैंने किया है अभी अपने RX135 पे, ये वाला एक डायग्राम है। तो जब अपना पुराना जो हॉर्न वायर जो होता है ना बाइक का या स्कूटर का, पॉजिटिव पे आपको इंडिकेटर फ्लैशर लगाने का है और फिर बाद में सीधा हॉर्न को कनेक्ट करना है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है अगर आपको बड़े वाले हॉर्न लगाना है और आपको साथ में रिले भी लगाना है तो ये वाला है, सेम वही प्रोसीजर है जो पहले भी करते थे, खाली इतना कि जो पॉजिटिव वाला जो वायर होता था उसके बीच में आपको इंडिकेटर फ्लैशर लगाने का है, बस वही है, बाकी सब पूरा सेम ही है सब कुछ है। तो ये दो टाइप का वायरिंग डायग्राम है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप वैसा इसमें कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपना काम चालू कर सकते हैं।